हाय एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 5 वेब हिंदी सीरीज जो आपको जरूर देखनी चाहिए। वेल, इन सभी वेब सीरीज की खास बात यह है कि ये सारी की सारी वेब सीरीज इंडिया में ही बनाई गई हैं। वेल, ये सभी अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं, जिसकी डिटेल्स मैं वीडियो के दौरान आपको दे दूंगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आजकल जो वेब सीरीज का जो ट्रेंड है वो काफी ज्यादा पॉपुलर है। आजकल लोग काफी ज्यादा वेब सीरीज देखना पसंद करते हैं और वेब सीरीज बहुत ही अच्छे पैमाने पर बनाई जा रही है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है वेब सीरीज। तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें, क्योंकि मैं जो 5 सीरीज बताने जा रही हूँ काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। पहली से लेकर लास्ट तक की जो 2 सीरीज होंगी फ्रेंड्स, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर पे मैं जिस सीरीज का नाम ले रही हूँ वो है सेक्रेट गेम्स। ये वाली जो सीरीज है काफी अच्छी सीरीज है, आपको ये सीरीज देखनी चाहिए। अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे। IMDb की जो रेटिंग्स है वो है 8.8 out of 10, तो बहुत ही अच्छी रेटिंग्स है इस सीरीज की। और मैं देख चुकी हूँ सीरीज, इसके टोटल 2 सीजन है। दोनों सीजन में टोटल 16 एपिसोड है। वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है वो है अनुराग कश्यप ने, तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है इसकी और बहुत ही सस्पेंस है इस पूरी वेब सीरीज में। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको ये वाली वेब सीरीज देखनी चाहिए। इसमें लीड रोल परफॉर्म कर रहे हैं पंकज त्रिपाठी है, गणेश गायतोंडे यानी हमारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो इसमें गणेश गायतोंडे के रोल में हैं, एंड काफ़ी सारे एक्टर्स हैं जो इस वेब सीरीज में हैं। सभी ने अच्छा काम किया है। ये पूरी की पूरी जो सीरीज है ये मतलब लाइक घूमती रहती है एक अटैक पे जो कि होने वाला होता है। तो मतलब लाइक जब ये प्लान हो रहा होता है तो इसके बीच में जो पूरी कहानी है, जिस तरीके का सस्पेंस इस कहानी में दिखाया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मेरे हिसाब से आपको ये सीरीज़ ज़रूर देखनी चाहिए, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो सेकेंड नंबर पे जो वेब सीरीज मैं रख रही हूँ उसका नाम है दिल्ली क्राइम। दिल्ली क्राइम अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे, और मैं आपको बता दूँ दिल्ली क्राइम को डायरेक्ट किया है रजी मेहता ने। और दिल्ली क्राइम की जो स्टोरी है वो बेस्ड है निर्भया कांड पे जो हुआ था दिल्ली में। ये पूरी स्टोरी उसी के ऊपर है, जिसको डायरेक्टर रजी मेहता ने बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया, दिखाने की कोशिश की है कि उस टाइम पे क्या हुआ था, कैसे पुलिस ने कोशिश करके दिन रात करके उन लोगों को पकड़ा था। तो ये पूरी कहानी उस पूरी सिचुएशन पे बनी हुई है जो उस टाइम पे हुई थी। सो फ्रेंड्स, थर्ड नंबर पे जिस वेब सीरीज को मैंने रखा है उसका नाम है द फैमिली मैन। द फैमिली मैन अवेलेबल है अमेजोन प्राइम पे, और इसका अभी तक एक ही सीजन आया है और एक सीजन में टोटल 10 एपिसोड्स हैं, और सारे के सारे जो एपिसोड्स हैं वो 40-45 मिनट्स के हैं। तो अगर आपने अभी तक ये वेब सीरीज नहीं देखी है तो आपको जरूर देखनी चाहिए। इस वेब सीरीज में जो मेन लीड है वो है मनोज वाजपेयी। बहुत ही अच्छी स्टोरी है इस पूरी वेब सीरीज की और बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्टर ने इसको एग्जीक्यूट किया है। इस वेब सीरीज की जो IMDb रेटिंग्स हैं वो 8.6 out of 10, तो बहुत ही कमाल की वेब सीरीज है। वेल, मैं आपको बता दूं द फैमिली मैन की जो कहानी है वो एक ऐसे मिडिल क्लास आदमी की कहानी है कि वो एक तरफ अपनी पूरी फैमिली को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो एक नेशनल एजेंसी में काम करते हैं, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी में काम करते हैं। तो दोनों तरफ का जो बैलेंस है वो किस तरीके से संभाल रहे हैं इस पूरी वेब सीरीज में दिखाया गया है। तो अगर आपने अभी तक ये वेब सीरीज नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं इसको, आप अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, काफी अच्छी वेब सीरीज है। तो फ्रेंड्स, फोर्थ नंबर पे जो वेब सीरीज है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है एंड मोस्ट पॉपुलर सीरीज है अभी की। तो अगर आपने ये वाली सीरीज नहीं देखी तो आपने मिस कर दिया है। वेल, मैं आपको बता दूं ये जो सीरीज है इसका नाम है स्पेशल ऑफ्स। अवेलेबल है हॉटस्टार पे। वेल, मैं आपको बता दूं ये वाले जो सीरीज डायरेक्ट की है वो है नीरज पांडे ने, एंड नीरज पांडे का नाम तो आपने सुना ही होगा। वेल, मैं आपको बता दूं ये इस सीरीज में टोटल अभी तक एक ही सीजन है और एक सीजन में टोटल 8 एपिसोड है। आठों एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आठों एपिसोड की जो ड्यूरेशन है वो कम से कम 45-50 मिनट्स की है। अगर आप को देखना चाहते हैं इस सीरीज को तो आप अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। एंड इस वेब सीरीज की जो IMDb रेटिंग्स है वो है 8.7 out of 10, तो बहुत ही अच्छी रेटिंग्स है एंड बहुत ही कमाल की स्टोरी है। एग्जीक्यूट बहुत अच्छे से किया गया है, सभी एक्टर्स ने अपना जो रोल है बहुत ही बखूबी निभाया है। वेल, एक्टर्स की बात करें तो इसमें KK मैनन लीड रोल में है, इसके अलावा भी काफी सारे एक्टर्स है जो इस वेब सीरीज में नजर आए हैं। वेल, ये वाली जो वेब सीरीज है ये बेस्ड है 2001 में जो पार्लियामेंट अटैक हुए थे, उसके बाद जो आतंकवादी एक निकल गया, तो जो KK मैनन है इसमें वो बने हैं हिम्मत सिंह एक रोके एजेंट है जो जिसके अंदर काफ़ी सारे और रोके एजेंट हैं जिनको वो लीड करते हैं उस आतंकवादी को पकड़ने के लिए। तो ये जो कहानी है ये घूमते कि वो आतंकवादी को कैसे पकड़ते हैं दूसरे देश में जाके, ये पूरी कहानी उस पर बेस्ड है। अगर आपने ये वाली
वेब सीरीज मिस की है तो इसको प्लीज अभी जाके देखिए, एंड बहुत ही अच्छी वेब सीरीज है जो कि आपको देखनी चाहिए। पांचवे नंबर पे जो वेब सीरीज है बहुत ही कमाल की वेब सीरीज है, बहुत ही ज्यादा सस्पेंस है, थ्रिलर है, क्राइम है इस वेब सीरीज में, तो बहुत ही अच्छी वेब सीरीज है, बहुत ही इंटरेस्ट आएगा जब आप देखेंगे। वेल मैं आपको नाम बता देती हूँ पहले इस वेब सीरीज का, इसका नाम है असुर। ये वेब सीरीज अवेलेबल है वूट पे, एंड इस वेब सीरीज में जो मेन लीड में है वो है अरशद वारसी। अरशद वारसी ने इस वेब सीरीज से अपना वेब सीरीज में पहला डेब्यू किया है, एंड बहुत ही अच्छी सीरीज है। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी 5 बेस्ट हिंदी वेब सीरीज की सजेशंस। तो अगर आपने अभी तक ये वेब सीरीज नहीं देखी है तो जाके जल्दी से देखिए। इसके अलावा भी अगर आपको कोई हिंदी वेब सीरीज अच्छी लगी है तो उसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल डेलहाइट पारुल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो यहाँ पे एक बेल आइकन आ रहा होगा, आप उसको प्रेस कर दीजिए, इससे मेरी नई वीडियो की अपडेट आपको मिल जाएगी। और आप चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हूँ। तो चलिए आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो सी यू गाइस, बाय।